पराठे, आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था 6-7 आलू लिया था और इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, नमक, और ये होममेड मसाला है, इसे आप इजली घर पर बना सकते हो। तो मैंने लिया था 4-5 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा, मेथी, मंगरेल, सौंफ और लहसुन और रेड चिल्ली लिया था, और इसे अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, हल्दी और नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो मैश कर लेते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे होममेड मसाला, नमक स्वाद अनुसार और मिर्ची लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पराठे की जो फीलिंग है वो रेडी हो चुकी है, तो अभी हम पराठा बनाना स्टार्ट। 1 किलो गेहूं का आटा लिया था, इसे अच्छी तरह से सख्त गूंद लिया है। आलू के पराठे के लिए हमें कभी भी आटा जो है वो सख्त गूंदना है, नहीं तो हमारा जो आलू का पराठा है वो फट जाएगा। अभी हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे, के इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। अभी हम तेल लगाएंगे, चारों तरफ हमें अच्छी तरह से जो है वो तेल लगाना है। पलट लेना है और दूसरे साइड भी हमें जो है वो तेल लगाना है। मीडियम फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो हमारा जो पराठा है वो कच्चा रह जाएगा और नीचे से जल जाएगा। देखते हो कि हमारा आलू का पराठा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, तो आप इसे सेजवन की चटनी या फिर पुदीना की चटनी के साथ सर्व करिए।